हेलो दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल S2E Info पर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएम सूर्य घर योजना, यानी कि जो है मुफ्त बिजली योजना। आप पीएम सूर्य घर योजना में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी की सारी जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पीएम सूर्य घर बिजली मुफ्त बिजली योजना। तो इस योजना के अंतर्गत जो है सरकार 75,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी और 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी हर महीने। ये इस योजना का मुफ्त जो है मुख्य उद्देश्य आप बोल सकते हैं वो ये है। इसके बाद कैसे अप्लाई करना है यहां हम देखेंगे। मैंने इस वीडियो में जो है दो पार्ट, बेसिकली इसको जो है दो भागों में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम इसमें देखेंगे रजिस्ट्रेशन आपको कैसे करना है, फिर दूसरे पार्ट में आपको कैसे एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, मतलब अप्लाई कैसे करना है रूफटॉप के लिए, है ना। तो चलिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाकर के ये वेबसाइट सर्च करनी है, pmsuryaghar.gov.in। यहाँ पर जाएंगे तो ये पेज ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक लॉगिन है और एक रजिस्ट्रेशन है। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप जो है लॉगिन पर करेंगे क्लिक, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के अंदर ये सारी डिटेल पूछेगा, जैसे कि आप कौन से स्टेट से हैं, आपका घर जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल किस कंपनी का आता है, जैसे कि BSES राजधानी है, BSES यमुना है, कौन सी कंपनी का, NDPL है, इस तरह से। इसके बाद कंज्यूमर अकाउंट नंबर यानी कि CA नंबर आपको यहां पर डालना है। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपका बेसिकली रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें आगे दो चीजें और पूछेगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी क्या है, वो सभी चीजें आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त ध्यान रखनी है। तो जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन का जो पूरा प्रोसेस है या मैंने कुछ स्टेप्स लिखे हैं, अगर आपको वहां से नहीं समझ में आया तो आप जो है इस वीडियो को पॉज करके देखिए और यहाँ पर जितने भी स्टेप्स लिखे हुए उनको फॉलो करिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का मतलब है आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। जब आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, लॉगिन करना है अप्लाई करने के लिए। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्रोसीजर फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ रूफटॉप सोलर प्लांट थ्रू नेशनल पोर्टल, जो भी जो पोर्टल है उसके थ्रू कैसे अप्लाई करना है। यही पोर्टल जो मैं, ये जो पोर्टल है इसी का नाम चेंज कर दिया गया है pmsuryaghar.gov.in, है ना। तो यहां तक तो हमने देख लिया स्टेप वन में रजिस्ट्रेशन। अब आपको अप्लाई कैसे करना है रूफटॉप सोलर के लिए वो हम यहां पर देखेंगे। तो स्टेप टू में आप क्या करेंगे, अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। अब एप्लीकेशन में जाएंगे तो एप्लीकेशन में क्या करेंगे, जब आप लॉगिन कर लेंगे अकाउंट पर तो आप यहां पर देखेंगे एंड क्लिक दिस सबमिट एप्लीकेशन, फिल द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड इन द फॉर्मेट एंड सबमिट द एप्लीकेशन। बेसिकली जब आप अप्लाई करेंगे तो क्या क्या उसमें जो है चीजें आएंगी, जैसे कि आपके जो छत है उसका एरिया कितना है, है ना, छत का एरिया कितना है, लेंथ विड्थ, तो उसके हिसाब से आपको ये चीजें आएंगी कि भाई आपका कितना जो है अभी कितना बिजली का बिल आता है, अभी कितना सेंक्शन लोड है, जो बिजली के बिल पर आपको दिख जाएगा कि कितना सेंक्शन लोड आपको दिया गया है, वो सारी डिटेल जो है आपसे पूछेगा उस एप्लीकेशन के अंदर। जब आप वो एप्लीकेशन फिल कर देंगे उसके बाद जो है ये जो है स्टेप थ्री में जाएगा टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए, है ना। टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट कहाँ जाएगी, ये रिपोर्ट जाएगी आपकी डिस्कॉम के पास, यानी कि जैसे मान लीजिए मैंने अपने लिए अप्लाई किया तो ये जो एप्लीकेशन जाएगी BSES राजधानी में जाएगी या BSES यमुना में जाएगी या NDPL में जाएगी, वहां पर जाएगी, वो जो है इस टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट को चेक करेंगे। अगर उसमें कुछ भी करेक्शन होगी तो वो वापस भेज देंगे स्टेप टू में, फिर आपको वो करेक्ट करके वापस भेजनी है। अगर उसको कैंसिल करना होगा तो वो रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर रिजेक्शन का भी ऑप्शन रहेगा उनके पास, तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अलर्ट से ये अप्रूव हो जाती है, अगर ये अप्रूव हो जाती है तो अब आप जो है स्टेप नंबर फोर में चले जाएंगे। स्टेप नंबर फोर में क्या है, सिलेक्शन ऑफ वेंडर एंड प्लांट इंस्टॉलेशन। यहां पर आपको क्या करना है, जब आपकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट अप्रूव हो गई, उसके बाद जो डिस्कॉम की जो वेबसाइट है या फिर ऐसा बोलिए जो आपका लॉगिन पेज होगा, वहीं पर ही आपको जो है क्या दिखेंगे, अप्रूव्ड वेंडर्स दिखेंगे। उन वेंडर्स के साथ आपको बात करनी है और उनको बोलना है कि भैया ये लगाना है,
सोलर रूफटॉप मेरा जो है वहां से TFR अप्रूव होकर के आ गया डिस्कॉम कंपनी से। तो उसके बाद जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो ये बेसिकली वेंडर के साथ आप एग्रीमेंट करेंगे। अब यहाँ पर जो भी खर्चा आएगा वो वेंडर आपको बताएगा कितना खर्चा लगेगा, वो सारी चीजें जो है वेंडर के साथ हो रही होंगी। इसके बाद स्टेप नंबर नेक्स्ट स्टेप में पहुंचे तो वो कौन सा स्टेप है भैया, ये था हाँ सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल, बेसिकली यही आपका स्टेप नंबर 4 था। जब भी ये क्या होगा, आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट सबमिट इंस्टॉलेशन डिटेल इन नेशनल पोर्टल। जब आप कंप्लीटली इंस्टॉल हो जाएगा तो एक कमिशनिंग रिपोर्ट होती है, इंस्टॉलेशन एंड कमिशनिंग रिपोर्ट, वो वेंडर आपको प्रोवाइड करेगा। तो वो जो रिपोर्ट है आपको पोर्टल पर डालनी है ना, और आपको अपनी फोटो के साथ डालनी है, यानी कि आपको अपनी सेल्फी ले लेनी है, किसी और को बोलना है, खुद नहीं लेना, किसी को बोलना प्लांट के साथ फोटो खींचना और बढ़िया सी, और जो है उस पोर्टल पर अपलोड कर देना। जब ये डिटेल्स वहां पर चली जाएंगी आपके, ये सारी चीजें कहाँ हो रही होंगी, जो आपका लॉगिन पेज है ना जहां पर आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसी के अंदर हो रही होंगी। इसके बाद जो भी प्लांट आपके यहाँ लगा है उसका इंस्पेक्शन होगा। इंस्पेक्शन कौन करेगा, अगेन डिस्कॉम कंपनी आएगी, डिस्कॉम कंपनी के ऑफिसर्स आएंगे, वो इसको क्या करेंगे इंस्पेक्शन करेंगे। अगर इंस्पेक्शन करने के बाद ओके पाया जाता है तो उसके बाद एक नेट मीटर होता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं नेट मीटर लगाएंगे। ये नेट मीटर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। नेट मीटर का मतलब ये है, लेट्स से कि आपके घर में आपको 200 किलोवाट की बिजली चाहिए, 200 किलोवाट आवर है ना, KWH जो यूनिट है बिजली की वो है, तो आपकी रिक्वायरमेंट 200 है, लेकिन आपके यहाँ जो सोलर प्लांट लगा है वो 250 है। मान लो दिन में, भाई दिन में सूरज बहुत तेजी से चमकता है, तो आपके प्लांट से 250 किलोवाट आवर की बिजली जनरेट हो रही है, आपको चाहिए 200, तो जो 50 किलोवाट आवर यानी कि जो 50 यूनिट है वो 50 यूनिट कहाँ चली जाएगी, वो ग्रिड में आप भेज देंगे, तो वो होता है नेट मीटर। यहीं से आपको क्या है फायदा मिलेगा, वो जो 50 यूनिट आपने एक्स्ट्रा ग्रिड में भेजी, ग्रिड का मतलब है डिस्कॉम कंपनी को वापस दे दी, तो वो आपको जो है आपकी सब्सिडी में या आपकी जो यूनिट्स आपकी डिसाइड होंगी उसमें बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये है नेट मीटरिंग का प्रोसेस, यानी कि जो भी आपकी जरूरत के हिसाब से जो भी एक्स्ट्रा यूनिट होंगी वो यूनिट ग्रिड में चली जाएगी या डिस्कॉम कंपनी को चली जाएगी, वो नेट मीटरिंग का मतलब है। इसके बाद प्रोजेक्ट कमिशनिंग स्टेटस, यहाँ पर वंस द नेट मीटर हैज बीन इंस्टॉल्ड तो डिस्कॉम कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं वो अप्रूव कर देंगे इंस्टॉलेशन को कि भैया इनका नेट मीटरिंग भी अप्रूव हो गया है, कमिशनिंग रिपोर्ट कमिशनिंग सर्टिफिकेट भी वो जनरेट कर देंगे, है ना। ये सर्टिफिकेट भी आपको कहाँ पर विजिबल होगा, जो आपकी वेबसाइट और जो लॉगिन पेज है ना वहीं पर ये सर्टिफिकेट भी विजिबल होगा। ठीक है, तो जब आपको ये सर्टिफिकेट विजिबल हो जाएगा उसके बाद सब्सिडी रिक्वेस्ट आप क्या करेंगे, आप क्लेम के लिए रिक्वेस्ट डालेंगे कि भाई आपका जो भी खर्चा आया है, जो भी सब्सिडी आपको मिलनी है उसके लिए आप एक क्लेम जनरेट करेंगे, है ना। जब कमिशनिंग सर्टिफिकेट आ जाएगा तो आपको क्लेम जनरेट करना है, और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे आपको बैंक की डिटेल चाहिए, बेसिकली कैंसिल चेक आप लगा सकते हैं, पासबुक की कॉपी, वो सब आपको लगानी होगी। ये लगाने का मतलब ये है कि जो पोर्टल आपको दिया गया जहां पर वो सर्टिफिकेट है वहीं पर ही आपको ये अपलोड करने हैं। उसके बाद जब ये डिटेल सारी की सारी करेक्ट पाई जाएंगी तब आपको क्या है, आपको जो है सब्सिडी रिलीज होगी, और ये जो सब्सिडी रिलीज होगी 30 दिन के अंदर रिलीज होगी। और ये 30 दिन कहां से कैलकुलेट किए गए हैं, ये 30 दिन वहां से कैलकुलेट किए गए जिस दिन आपने क्लेम बनाया, उस दिन से नहीं कि जिस दिन सर्टिफिकेट मतलब कमिशनिंग सर्टिफिकेट आया वो नहीं, जिस दिन आपने क्लेम डाला उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर आपको जो है ये पैसा आ जाएगा। तो ये था पूरा का पूरा जो प्रोसेस जिसमें मैंने दो पार्ट में इसको बताया, एक तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, दूसरा एप्लीकेशन प्रोसेस। तो एप्लीकेशन प्रोसेस में कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या चीजें रहेंगी वो आपको बताई। तो यहाँ पर दो चीजें और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो भी एप्लीकेंट है, जैसे कि मान लो मैं एप्लीकेशन दे रहा हूँ तो भाई ये ध्यान रखना है बिजली का जो मीटर है और जो बिल है वो मेरे नाम का होना चाहिए, मेरा ही मोबाइल नंबर होना चाहिए, मेरी ही ईमेल आईडी होनी चाहिए, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपने मान लीजिए मीटर आपके नाम पर है, मेल आईडी आपने अपने भाई की दे दी या फोन नंबर आपके भाई का दे दिया तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। ये आपको ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखनी, ये दोनों चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ये, और जैसे कि आपका ही बैंक अकाउंट भी होना चाहिए, ये भी याद रखना है भाई, बैंक अकाउंट अगर आप अप्लाई करें तो बैंक अकाउंट भी आपके नाम पर ही होना चाहिए, किसी और का अकाउंट नंबर नहीं चलेगा। एप्लीकेशन प्रोसेस जो कि मैंने अभी आपको बताया पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस वो यहाँ पर स्टेप्स में लिखा हुआ है।
आपको कोई भी डाउट है तो आप जो है वीडियो को तसल्ली से पॉज करो और इनको पढ़ो और इनके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि भाई कौन इसमें एलिजिबल होगा, ये जैसा कि बहुत ही आसान है समझना, भाई इंडियन सिटीजन होना चाहिए, खुद का घर होना चाहिए और मस्ट हैव वैलिड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए, चोरी चकारी वाला टीप टाप वाला नहीं होना चाहिए, मस्ट हैव अवेल्ड एनी अदर सब्सिडी फॉर सोलर पैनल, मतलब उसने पहले कोई भी सोलर पैनल के लिए सब्सिडी अवेल नहीं करी होनी चाहिए, है ना। तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन है। इसके बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, डॉक्यूमेंट तो आपको पता ही है भैया, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये बेसिकली ऐसा बोल सकते हो आइडेंटिटी के लिए ये चाहिए, है ना, एनी अदर आईडी प्रूफ, बेसिकली आईडी प्रूफ के लिए ये चाहिए, एड्रेस प्रूफ के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी बिल लगा सकते हो, पिछले 6 महीने का कोई भी बैंक डिटेल, अकाउंट नंबर, कैंसिल चेक, ये सारी डिटेल आपको चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। यहाँ पर इनकी फोटो भी है, अगर आप देख सकते हैं तो उसके हिसाब से आपको जो है इसका फायदा मिलेगा और आप इस तरह से अप्लाई कर पाएंगे। बेनिफिट की बात करें तो भाई बेनिफिट क्या है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी फॉर हाउस होल्ड, जैसा कि आपको बताया 300 यूनिट तक जो है फ्री बिजली मिलने वाली है, रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि जब आप सोलर से इलेक्ट्रिसिटी लोगे, लेट से जो जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया 250 यूनिट का, तो 200 आप खर्च कर रहे होगे दिन में और 50 वापस भेज रहे होगे, तो फायदा मिलेगा आपका, तो कॉस्ट कम हो जाएगा। फिर ऐसे ही जो है रात में जो है आप वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से ले रहे होगे, वो जो है ग्रिड से ले रहे होगे, तो वहां पर वो कंपनसेट हो रही होंगी चीजें, तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। इंक्रीज यूज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, भाई मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उनका ही ये मिशन है, MNRE की तरफ से है ये मिशन, तो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है हम बढ़ेंगे, जैसे कि जब हम उसकी तरफ बढ़ेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, है ना, जैसे अभी कोयला है, कोयले से जो थर्मल प्लांट है वहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो अगर हम वही इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ज्यादा करेंगे तो सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी वहीं से आएगी, तो कोयले का यूज होगा तो धुआं ज्यादा उठेगा, पॉल्यूशन ज्यादा होगा, है ना। अब अगर हम सोलर लगा लेते हैं तो वो तो उससे तो कोई पॉल्यूशन होगा नहीं, जब उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होगा तो कोयले का जो खपत है या उसका यूज है वो कम होगा, तो पॉल्यूशन कम होगा, ठीक है जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी है सोलर एनर्जी जो हमारी, रिड्यूस्ड कार्बन एमिशन, कार्बन एमिशन भी रिड्यूस होगा, जो मैंने अभी बताया थर्मल से जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है, जो कि हमारी सेहत के लिए बिल्कुल सही नहीं है, बहुत ही खतरनाक है, ठीक है जी। तो ये थे इसके बेनिफिट्स। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी ऐसी जानकारी है कि जो नहीं समझ में आई तो आप इसी वीडियो में कमेंट करना, और अगर आपको लगता है कि इसके अंदर जो आपका खर्चा कितना आएगा उसके ऊपर एक कैलकुलेटर भी है, अगर आप चाहते हो उस कैलकुलेटर का यूज करना और आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसी वीडियो में कमेंट करना, तो मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा जिसमें हम क्या करेंगे इस पूरे प्रोसेस में कि मतलब आपको कितना खर्चा आएगा, क्या कैलकुलेशन इसके अंदर इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो चलिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।